कराची में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस चलना शुरू हो गई। सुबह 7 बजे सोहराब गोट बस टर्मिनल से रवाना होने वाली ये बस तकरीबन 1 घंटे में टावर पहुंची। ला इल्मी के 22 मुसाफरों की तादाद कम तो थी लेकिन खुश बहुत थी। इलेक्ट्रिक बस में मजीद क्या सहूलियात हैं, इस बारे में बताएंगे मोहम्मद आरिफ। कराची की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेंगी। सोहराब गोट के टर्मिनल से सुबह 7 बजे बस चली जो 1 घंटे में टावर पहुंची। इस सर्विस का इफ्तिताह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह ने किया था। पहले रोज तजुर्बाती बुनियादों पर एक बस चलाई गई जिसने सोहराब गोट से टावर 17 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय किया। बस में सफर करने वाले मुसाफिरों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किराया वसूल किया जाएगा। खवातीन और मर्द अलग अलग ऑटोमेटिक दरवाजों के जरिए बस में दाखिल हो सकते हैं। 6 टायरों पर मुश्तमिल इस बस को रोजाना 5 घंटे चार्ज किया जाएगा। एक दफा चार्ज करने पर बस 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक बस चलाने वाले ड्राइवरों ने मुसर्रत का इजहार किया। पहला ड्राइवर हूँ ई इलेक्ट्रिक बस का पूरे पाकिस्तान में, ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह करे हमारे और भी ड्राइवर भाई यहाँ पर आए और हमसे ट्रेनिंग लें। इलेक्ट्रिक पावर बस का कम से कम किराया 10 रुपए जबकि 4 रुपए फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया है। बस में 35 सीटें हैं जिनमें से 2 माजूर अफराद के लिए मुख्तस हैं जबकि मजीद 37 अफराद खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं। बस में कोई भी मुसाफिर पान, छारिया, गुटखा या कोई भी नशा आवर चीज इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बस की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और बस की ट्रैकिंग का मुकम्मल निजाम भी बनाया गया है। मुसाफिरों की खिदमत के लिए 4 मुलाजमीन भी मौजूद हैं। हरे रंग की इस बस के ऑटोमेटिक दरवाजों और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग ने मुसाफिरों को हैरान कर दिया। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 100 तक पहुंच जाएगी। 8 बजे आखिरी बस रवाना होगी और बस की मॉनिटरिंग का निजाम भी बेहतर अंदाज में किया गया है।